नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी है। त्रिपुरा में लेफ्ट और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला। त्रिपुरा में लेफ्ट 25, बीजेपी 23 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर नागालैंड की बात की जाए तो बीजेपी 12, एनपीएफ 3 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। मेघालय में कांग्रेस 9, बीजेपी 4 और एनपीपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो बता दें आपको बड़ी खबर, जहां तीनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। त्रिपुरा में लेफ्ट और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला। जब होगा तो जाहिर है बहुत अच्छा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा और हम तीनों जगह सरकार बनाने के में समर्थ रहेंगे। आपने शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उनमें अपनी जमीन कहीं ना कहीं बनाते हुए दिख रहे हैं आप लोग, जिन राज्यों में नहीं मिलती थी, तो अब उसको क्या पॉजिटिव ले रहे हैं अभी आप लोग? नहीं, आप देखिए ना, अब 2013 में त्रिपुरा में हमारा कोई खाता भी नहीं खुला था। बाकी जगह पे भी इसी तरह का परफॉर्मेंस रहा था, बिल्कुल मतलब इनसिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है जो आई है एक ऐसे फोर्स की तरह जो हम तीनों जगह जीतने के लिए खड़े हुए, और मुझे लगता है पूरी उम्मीद वहाँ के देश के प्रदेश की जनता वहाँ पर बिल्कुल मन बना चुकी है कि इस बार ऐसी सरकार को और ऐसी पार्टी को सरकार में लाना है जो कि लोगों के हित में काम करती है और प्रदेश के हित में काम करती है। वेल, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर विक्ट्री इन ऑल दीस थ्री स्टेट्स प्योरली बिकॉज। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस तो नजर आ रही है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद अब नतीजे क्या कुछ होंगे इस पर तो सबकी नजर टिकी रहेगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मतगणना जारी है और ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड की, जहाँ कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। और जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक त्रिपुरा में लेफ्ट 25, बीजेपी 23 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। राजनीतिक सलाहकार एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एके मिश्रा जी, जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, मतगणना शुरू ही हुआ है, क्या कुछ लग रहा है, कहां पर किसकी जीत हो सकती है? नहीं मैम, देखिए, जीत यहाँ पे, हार या जीत तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो बीजेपी को लगभग कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से हर तरीके से बहुत मजबूती मिल रही है जी। बात हम सबसे पहले त्रिपुरा की करेंगे। 59 सीट्स पे अगर देखें तो बीजेपी और लेफ्ट के बीच बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। 29 सीट्स लेफ्ट की और बीजेपी की लगभग 27 सीटें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बीजेपी थोड़ा सा 2-4 सीटों से भी पीछे रह गई तो ये कोशिश करेंगे कि ये सरकार बना लेंगे कि जैसे कि गोवा में। और उसका एक बड़ा नेचुरल सा रीजन है कि सेंटर में सरकार होने के कारण स्टेट लेवल के सरकारों को भी काफी मदद मिलती है। और यहाँ पे ये जो वोट का टर्नआउट हुआ है, शिफ्ट हुआ है त्रिपुरा में, उसका रीजन ये है कि देखिए, लेफ्ट और बीजेपी दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी ने यहाँ पे अर्बन एरिया में अब की बार फेज लगाई है। रूरल एरिया में हम मान सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट भी कैडर बेस्ड है तो उनकी बॉन्डिंग वोटर्स के साथ ऐसे कंडीशंस में बहुत जबरदस्त होती है, चाहे बीजेपी हो। नागालैंड और मेघालय की अगर बात करें मैम, तो देखिए, बीजेपी 19 सीटों पे है, कांग्रेस 1 सीट पे ही आगे चल रही है और एनपीएफ जो है वो 20 है। तो 20 और 20 अगर देख लिया जाए तो आउट ऑफ 59-66 40 सीट तो ये बीजेपी और एनपीएफ की ही हो गई। तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर के वहां पे गवर्नमेंट बनाने के पोजिशन में होंगे। मेघालय में भी अगर देखें तो कांग्रेस को अगेन वहां पे लॉस हो रहा है, बीजेपी 5 सीट पे आ रही है, एनपीपी अभी तक 9 सीटों पे है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो निचोड़ यह है कि कांग्रेस की लॉस जो है वो बीजेपी के गेन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही साथ लॉस लेफ्ट वगैरह को भी हुआ है त्रिपुरा वगैरह में। तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छी सेध लगाई है नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे कि इनका बिल्कुल भी बेस नहीं था जी। तो एके मिश्रा जी, यहाँ पर जो रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उभर कर आ रही है, क्या इसका श्रेय उन चुनाव प्रचार को दिया जा सकता है जो वहां पर जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने किया था? नहीं मैम, देखिए, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे सबसे पहला श्रेय जाएगा बीजेपी के ग्राउंड लेवल के जो वर्कर और आरएसएस है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला, जैसे त्रिपुरा में लेफ्ट वगैरह, सीपीआई वगैरह, मार्क्सवादी पार्टियों का भी देखेंगे तो ये कैडर बेस है।
बीजेपी ने इस चीज को बहुत पहले इस चीज को एहसास किया कि जब तक हम ग्राउंड लेवल पे कैडर बेस होकर काम नहीं करेंगे इनको हटाना मुश्किल है। तो बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में या आरएसएस में कैडर को डेवलप करने के लिए रूरल एरिया में छोटे स्तर पे लगातार ये काम कर रही है, स्कूलों को खोलना, लोगों को मदद करना, सोशल वर्क। तो ये जो सोशल वर्क उन्होंने पिछले 5-10 सालों में किया है उसका ये आउटकम है कि बीजेपी के फुटप्रिंट जो है अब की बार नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये दस्तक दे रहे हैं। तो इसमें प्रचार तो आपका महीने, दो महीने, तीन महीने पहले होता है, उसका भी एक फाइनल इंपैक्ट होता है, लेकिन पास्ट में बीजेपी ने जो काम किए हैं रूरल और अर्बन एरिया में ये वो चीजें जाकर के कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि लेफ्ट वगैरह के गढ़ को, उनके कैडर को अपने कैडर में कन्वर्ट करना बहुत टिपिकल प्रोसेस है। जी बिल्कुल। और एके मिश्रा जी, यहाँ पर जो काम किया गया है वो जमीनी स्तर पर जो काम दिखा है उसके आधार पर ये नतीजे आप धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए कांग्रेस का क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बनता नजर आ रहा है आपको? देखिए मैम, कांग्रेस एक ऐसे डायलेमा की कंडीशन में पहुंच गई है कि ये अपने आप को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि पीछे भी इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो उसको भी मैनेज कर ले। हर बार कोई ना कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी को अगर कहीं गेन होगा तो कहां से गेन होगा? जो पुरानी पार्टियां हैं गेन तो वहीं से होगा। तो जो कांग्रेस कमजोर हो रही है कहीं पर भी तो उसके वोट बैंक जो है वो इधर उधर जा रहे हैं और बीजेपी उन वोट बैंक को एंजॉय कर रही है। ऐसे ही लेफ्ट की जो आपकी बार कंडीशन त्रिपुरा में दिख रही है तो उनके वोट बैंक जो शिफ्ट हुए हैं, बीजेपी को इतनी बड़ा त्रास मिली है जहां बिल्कुल भी इनका मतलब एक तरीके से नामो निशान नहीं था, तो उनको अगर इतनी बड़ा या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है तो कांग्रेस और लेफ्ट के ही ऐसे माइग्रेटेड वोटर्स हैं, फ्लैक्चुएटिंग वोटर्स हैं जो शिफ्ट होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने इस चीज को इनकैश किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, मुद्दे ऐसे बनाए कि उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों के जो शिफ्टिंग वोटर होते हैं एक मेजोरिटी में तोड़ करके अपनी तरफ जोड़ लिया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। बीजेपी सरकार कामयाब नहीं होगी, कामयाब बनाई जाएगी बाद में। और जहाँ तक मेघालय का ताल्लुक है, अभी हम आगे चल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि वहाँ सरकार बनेगी। और जहाँ तक त्रिपुरा का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगा कि सीपीएम वहाँ पर पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसको बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी, हम लोगों का वजूद कम था वहाँ पर, और जाहिर है कि जो जगह हमको लेनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी सरदस दिखाई दे रही है कि वो जब वो जगह ले रही है, लेकिन उसके लेने की वजह शायद मैं ये समझता हूँ कि चूँकि सीपीएम और कांग्रेस पार्टी बहुत सारे इश्यूज पर सेंटर में और देश के इश्यूज पर हमेशा साथ साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि भाई सीपीएम से जिनकी नाराज़गी है उनकी नाराज़गी का जो एक तरह से कहना चाहिए इजहार कांग्रेस के लिए भी हो गया हो, कि उन्होंने ये समझा है कि चाहे हम जीते या सीपीएम जीते वो इसीलिए हमसे किसी हद तक दूर नज़र आए हैं। आपको लगता है कि जो जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार घट रहा है और बीजेपी की पिछले सालों में कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया, वहाँ के लोगों को इग्नोर किया? देखिए हमने कभी इग्नोर नहीं किया, लेकिन हमने देश के दूसरे जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं उनके मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट को कभी इग्नोर नहीं किया, लेकिन बैलेंस बराकर रखा। लेकिन मोदी जी की सरकार जब से आई है वो किसी एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सारा पैसा वहीं पर डालने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, लोग धोखे में आ जाते हैं, पूरा देश धोखे में आया 2014 में। आज की कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की वही पार्टी की सरकार है जिन राज्यों के अंदर उन्होंने ज़बरदस्त तरीके पर जीत हासिल की थी, जब वहाँ पर जो बाद में चुनाव होते हैं, जहाँ भी ज़िमनी चुनाव जिनको कहते हैं हम, वो जब भी होते हैं तो बीजेपी वहाँ बुरी तरह से हार रही है। तो एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर वो वहाँ कुछ बढ़त दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ ये देखेंगे नॉर्दर्न इंडिया में उनकी बढ़त जो है घटती जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि और इसी बीच एक और बड़ी खबर, त्रिपुरा में रुझानों में लेफ्ट को बहुमत मिला है। त्रिपुरा से बड़ी खबर, जहाँ लेफ्ट को बहुमत मिला है लेफ्ट 30 सीटों पर और बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी महासचिव राम माधव का दावा है कि त्रिपुरा में बीजेपी ही जीतेगी। बड़ी खबर त्रिपुरा से, जहां रुझानों में लेफ्ट अभी आगे चल रही है, लेफ्ट को बहुमत मिला है लेफ्ट 30 सीटों पर और लेकिन बीजेपी भी बहुमत के करीब 27 सीटों पर। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष जी, ये जो रुझान आ रहे हैं क्या कुछ समीकरण बनता हुआ इसे नजर आ रहा है आपको? देखिए इसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो है कि कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है। कांग्रेस जो एक समय में जो राष्ट्रीय दल था और लगभग सभी राज्यों में उसकी एक सरकारें थी या उसकी वहां पे एक प्रेजेंस, अच्छी खासी प्रेजेंस हुआ करती थी, वो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल के रूप में, इस तरह के एक दल के रूप में जिसकी जिसकी प्रेजेंस हर स्टेट में अब लगभग है जी। उस रूप में उभरी है। नॉर्थ ईस्ट में उसका प्रभाव उतना नहीं था। आपको देखिए, जैसे हम देखें कि त्रिपुरा में जहाँ की वो कहीं था ही नहीं उसका वजूद, आज वो जो है 25-26 सीटों के साथ वहां पे उभर रही है जी। तो निश्चित रूप से इसको हम यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का जिस तरह से धीरे धीरे अवसान होता चला गया, कांग्रेस का संगठन कमजोर होता चला गया, कांग्रेस की जो राज्य के अध्यक्ष थे उनका नेतृत्व जो कमजोर रहा, केंद्रीय नेतृत्व कमजोर रहा, उसकी वजह से जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो उभरी है और उसने अपना वर्चस्व देश के सभी राज्यों में धीरे 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 बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो मैं उसे इसी तरह से देखता हूँ। हालांकि बहुत से मुद्दे हैं नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सी चीजें हैं जो वहां के स्थानीय मुद्दे भी हैं जिन पे बहस भी हो सकती है और जिन पे चर्चा हो भी थी इलेक्शन के दौरान, लेकिन फिर भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को लोग देख रहे हैं कि एक राष्ट्रीय दल है और जो सपने वो दिखाती है एक विकास के, वो सपने के वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। मेरा अगला सवाल भी आपसे कुछ इसी तरह का है पीयूष जी, जिस तरीके से रुझान तो आ रहे हैं अगर जीत बीजेपी की होती है तीनों में से किसी भी राज्यों में, तो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती क्या कुछ होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए जी? सबसे बड़ी चुनौती क्या कुछ होगी बीजेपी के लिए अगर इन तीनों में से किसी भी राज्य में बीजेपी की जीत होती है तो? देखिए, वहाँ चुनौती वही है, विकास की चुनौती, क्योंकि विकास के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव लड़ती है और विकास की बात करती है, तो निश्चित रूप से होगा। और स्थानीय मुद्दे भी होंगे, जैसे नागालैंड में बहुत बड़ा सवाल था 2015 में, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ने एक समझौता भी किया था लेकिन उस समझौता की कोई स्पष्ट नहीं रहा है, उसके बावजूद वहाँ पे पार्टियों ने जो है ये कहा भी था कि अभी चुनाव पोस्टपोन किए जाए, लेकिन फिर भी चुनाव हुए हैं वहाँ पे। तो हर राज्यों में अलग अलग तरह की समस्या है, लेकिन एक विकास तो हर ही राज्य का एक कॉमन मुद्दा है और जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही भी थी। तो निश्चित रूप से देखिए, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनमें जो बॉर्डर की समस्या भी है, वहां पे जो है वहां पे जो विद्रोही इस तरह के तत्व भी हैं जो वहां पे एक्टिव रहते हैं लगातार, जो उस तरह से बॉर्डर एरियाज हैं वो सब दूसरे देशों से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगी किस तरह से वहां पे उनको इंटैक्ट रखें लोगों को और वहां पे एक विकास किसी तरह से लेके चले, जिसको लेके संतोष है। खासकर आप देखिए जिस तरह से त्रिपुरा में लगातार लोगों ने देखा है कि हाँ, जो वहाँ की युवा पीढ़ी है मुझे लगता है उसने काफी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, उनको लगा विकास का मॉडल जो पूरे देश में दिखाई दे रहा है वो त्रिपुरा में नहीं है, तो वही आकर्षण हुआ। तो मुझे लगता है कि चुनौती होगी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद सेट कर दिया एजेंडा की विकास का, तो विकास को लेके उनको वो नहीं कि आपने जो 2014 में किया था आज भी जो है देश के स्तर पे तो विकास की चीजें कहीं पे उतरती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं जो आपने वादे किए थे जी। तो ये समस्या होगी उनके सामने, ये चुनौती होगी बहुत बड़ी उनके सामने जी। ये सबसे बड़ी चुनौती है विकास, और जनता भी इसी मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया और नतीजे आज आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका हिंदी खबर से बातचीत के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आज मतगणना जारी है और इस मतगणना में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं तीनों ही राज्यों में, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, तीनों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो चुनावी समीकरण अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं, नतीजों के जो रुझान आ रहे हैं, उसमें त्रिपुरा में 25 बीजेपी 23 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी मजबूती बनाए हुए है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ यहाँ भी नजर आ रहा है अब तक के रुझानों के मुताबिक। तो नागालैंड में बीजेपी 12, एनपीएफ 3 और कांग्रेस अभी 1 सीट पर आगे चल रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी, बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी मुख्यालय 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये बैठक होगी। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दे, आज बीजेपी कार्यकारिणी की अहम बैठक होनी है। ये बैठक बीजेपी के नव निर्मित मुख्यालय में होगी और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शिरकत करेंगे, बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। और एक बड़ी खबर गौरी लंकेश हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 महीने बाद इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की गई है। एसआईटी ने आरोपी केटी नवीन कुमार को हिरासत में लिया है।
आपको बता दें 5 सितंबर को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी, उनके घर जाकर और काफी करीब से उन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और इस पूरे हत्याकांड में गौरी लंकेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां SIT ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा की है। पूजा के बाद सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में फरियादियों की भीड़ भी उमड़ी है। सीएम योगी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में तमाम फरियादियों की समस्याओं को सुना और एक बड़ी उम्मीद के साथ काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं। और सीएम योगी ने सबसे पहले आज गोरक्षनाथ मंदिर की पूजा की, उसके बाद हमेशा की तरह ही जब भी सीएम योगी पहुंचते हैं जनता दरबार लगाते हैं, और आज भी जनता दरबार लगाया गया और वहां तमाम लोग पहुंचे। पूजा के बाद सीएम योगी ने इन लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। दो लोग दारू पीकर हम लोग लगने, छरा खाने का दारू पीकर अभी लगाने के, तो हम लोग कहा अभी नहीं लगवाएंगे, तुम अपने घर जाओ। शाम 5 बजे के बाद है आज, कल शाम के 5 बजे हम लगड़ी सब कहे हमारे लुना भी नहीं लगा, आप लोग अपने घर चले जाइए। तो सब कहने हम लोग जब अति अभी तुम लोग लगाएंगे, जब हम लोग लगे खदेड़े तो हम लोग लगे मारने। ये डिलीवरी हमारे दौरान थी, उसको ठाक पटक दिए। जंगा था सब लोग जब निकल रहे थे घर, फिर रास्ते में आकर सब लोग घेर लिए हम लोग मारे खातिर। जब घेर लिया ना सब, और सब भाग के सब यहाँ है बाबा शरण में। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गोरखपुर में शुक्रवार को होली मनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ पहले होलिका दहन की, राख की, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना की। उसके बाद एक दूसरे के माथे पर होलिका दहन की राख लगाकर होली की शुरुआत की। पांडे हाता से निकलने वाली भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के पहले मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में अपनी परंपरागत पूजा के बाद परिसर में जलाई गई होलिका की राख को अपने और मंदिर परिवार के सदस्यों और श्रद्धालुओं के माथे पर लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने तमाम लोगों के साथ होली खेली। समाजवादी पार्टी में चल रही घरेलू कलह के बीच ये पहला मौका था जब होली खेलने के लिए पूरा परिवार एक साथ सैफई में इकट्ठा हुआ। इस मौके पर मंच पर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर चाचा भतीजे दोनों एक साथ नजर आए और मंच साझा किया और सैफई में फूलों की होली खेली गई। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि मंच पर लगे पोस्टर में केवल अखिलेश और मुलायम की फोटो थी, शिवपाल की फोटो नहीं होने के कारण अखिलेश ने बैनर हटवा दिया। बता दें कि सैफई में एक जमाने में कुर्ता फाड़ होली खेली जाती थी, बाद में मुलायम सिंह यादव ने कुर्ता फाड़ होली के स्थान पर फूलों की होली की नई परंपरा की शुरुआत की। सुबह एक और बड़ी खबर, जहां हापुड़ में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसका इलाज जारी है। बता दें आपको, गैस कटर की सहायता से दोनों को ट्रेन के इंजन से निकाला गया। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और लगातार रेस्क्यू उनका किया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। गैस कटर की सहायता से ट्रेन के इंजन से उसे निकाला गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील गिरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, किस तरीके से यह हादसा हो गया और क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले पर? जी मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर रेलवे फाटक खुला हुआ था, जहाँ से ट्रक रोड़ी के टूटा हुआ ट्रक पास हो रहा था। अचानक वहाँ पर एक ट्रेन आ गई, TMU ट्रेन है ये, जिसे जो सबसे ट्रेन के रिपेयर होने के लिए दबाव से दिल्ली आते हैं, उसको TMU ट्रेन बोलते हैं। हालांकि ट्रेन में कोई भी सवार नहीं था, केवल ड्राइवर और गार्ड थे। अगर इसमें कोई सवारी होती तो कोई ना कोई बड़ा हादसा और हो सकता था।
जी बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बांदा से एक बड़ी खबर, जहां सरकारी वाहन ने दो लोगों को रौंद दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा सिटी मजिस्ट्रेट ले रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। बांदा के तिनवारी थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदा से, जहां सरकारी वाहन ने दो लोगों को रौंद दिया। सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा सिटी मजिस्ट्रेट ले रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हो गया। सरकारी वाहन ने दो लोगों को रौंद दिया, फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। बता दें आपको ये पूरी घटना बांदा के तिनवारी थाना क्षेत्र की घटना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जिशान अख्तर हमारे साथ जुड़े हैं। जिशान, इस पूरे हादसे पर क्या कुछ अपडेट्स? आपको बता दें, कल देर शाम का मामला है। स्थिति में स्टेट बताया जा रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए गए थे। सिंधवारी थाने के एक दो किलोमीटर आगे माता पड़ता है, माता के सामने वहां पे दो लड़के मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिनसे इनकी टक्कर हुई है। अब उन लड़कों में एक तो मौके पर ही उसकी मौत हो गई, दूसरे को ये जिला अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर उसको कानपुर रेफर किया गया, उसकी भी रास्ते में मौत हो गई। साथ ही इसमें स्थिति मजिस्ट्रेट के भी कुछ चोटें आई हैं, क्योंकि गाड़ी टक्कर तेज थी। लोगों का कहना है कि बहुत तेज रफ्तार थी गाड़ी की। बहुत शुक्रिया जिशान आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर हिंदुस्तान में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।